नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आय और अन्य लक्ष्य ये पढ़ेंगे। बेसिकली इस वीडियो में, इस टॉपिक में ये बताया गया है कि जो हम लोग हैं वो इनकम के साथ साथ हमारे कुछ और भी गोल्स होते हैं। जैसे मैं एक चीज बताऊं आप लोगों से कि देखो, एंड ऑफ द डे हम कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं और एंड ऑफ द डे हमें क्या करना है, हमें अर्निंग्स करनी है, हमें जॉब करना है या बिजनेस करना है, कुछ जो भी हो, हमें कुछ भी करना हो, एंड ऑफ द डे हमें अर्निंग्स करनी है, हमें पैसे कमाने हैं। लेकिन क्या हमें केवल पैसे ही कमाने हैं? तो आप लोग कहोगे कि सर हाँ, एंड ऑफ द डे हमें पैसे ही कमाने हैं और हमें पैसे ही चाहिए और कुछ हमें नहीं चाहिए। तो यही इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे को केवल पैसे ही नहीं चाहिए, हमारी लाइफ के अंदर हमें इनकम के साथ साथ कुछ और भी हमारे लक्ष्य होते हैं, कुछ और भी गोल्स होते हैं। इसके थ्रू हम समझेंगे कि जितना हमारी लाइफ के अंदर इनकम जरूरी है, उसके साथ साथ जो अन्य लक्ष्य होते हैं, जो अदर गोल्स होते हैं, वो भी हमारे लिए उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उतने ही जरूरी होते हैं जितना कि आय हमारी लाइफ को अच्छा करने में। तो देखें, लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में, ज्यादा इनकम चाहते हैं, आय चाहते हैं। आय का मतलब होता है इनकम। दरअसल क्या चाहते हैं जो लोग होते हैं, वो चाहते हैं उन्हें नियमित रूप से काम मिले, रेगुलर उनको वर्क मिले ताकि उनकी इनकम बनी रहे। साथ ही साथ जो मजदूरी कर रहे होते हैं, या बेहतर मजदूरी उनको मिले कि ताकि अच्छा जगह उनको मिले, उसके जहां वो काम करे उसके बदले उनको अच्छा पेमेंट किया जाए। और जो अनाज वगैरह ग्रो करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनका जो उन्होंने अनाज वगैरह ग्रो किया है उसका रेट उन्हें अच्छा मिले, उनको लॉस ना हो, इस तरीके की चीजें चाहते हैं। एंड ऑफ द डे हम लोग क्या चाहते हैं, वही कि उन्हें अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में कहे तो वो अधिक इनकम चाहते हैं कि वो जितना लगाए हैं उससे ज्यादा उनको पैसा मिले, प्रॉफिट मिले, उनको कुछ इनकम मिले। ठीक है। आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरे के आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। तो देखो, आप लोग कहोगे कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को पैसे खूब सारे चाहिए क्या, तो आप लोग कहोगे हाँ ऑफ कोर्स चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा पैसे तो मैं आपको बहुत सारे दे दूंगा, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आपको बराबरी का व्यवहार होना, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरे के प्रति, मतलब दूसरा कोई आपकी रिस्पेक्ट करे। तो हो सकता है आप लोगों में से अभी भी ज्यादातर लोग ऐसा, इसकी मेरे को कोई जरूरत नहीं, मुझे तो बस पैसे की जरूरत है। लेकिन एक बात ध्यान रखें हम, कि हम लोग आय के चाहते हैं, ऑफकोर्स आपको इनकम मिलेगी, लेकिन हम ये भी चाहते हैं बराबरी का हमारे साथ व्यवहार। आपके पास पैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप बाहर सोसाइटी में निकलते हो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपके साथ ट्रीटमेंट लोग अच्छा नहीं करते, आपको बहुत ही अलग नजरों से देखते हैं वो, आपके साथ जब भी आपसे सही तरीके से बात नहीं करते। आपके पास ऑफकोर्स आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वो आपसे सही तरीके से बात नहीं करते, आपको फ्रीडम नहीं दी जाती। ठीक है, इनकम है आपके पास लेकिन आपको फ्रीडम नहीं दी जाती, आपको प्रोटेक्टेड नहीं हो। आपके पास बहुत सारा पैसा लेकिन आप उस जगह पे रहते हो जहाँ पे कभी भी आप डेड हो सकते हो, कोई भरोसा नहीं है लाइफ का, हर एक सेकंड खतरे वाली जगह पे रहते हो। तो लोग क्या ऐसे में बताओ कि आप ही लोग मुझे बताओ कि आपको ऐसी जगह जाना पसंद करो, वहां पे इनकम तो ऑफकोर्स आपको बहुत सारी मिल रही है पर वहां पे लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो आप लोग वहां जाना पसंद करोगे? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग वहां जाना नहीं पसंद करोगे, आप कहोगे कि लाइफ है तो सब कुछ है, पैसा तो बाद में भी अर्न कर लेंगे। तो वही चीज जैसे आई ना कि हम पैसा तो बाद में अर्न कर लेंगे, सेम यह जैसे स्वतंत्रता मिलना, बराबरी का व्यवहार लोग हमारे साथ करें, कभी कभी ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरे से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं, जब हम दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि दूसरा भी हमारी रिस्पेक्ट करे, हमसे सही तरीके से बात करे। और कभी कभी ये आय से भी ज्यादा जरूरत है, और कभी कभी हमारे लिए इनकम से भी ज्यादा जरूरी होती है कि हमारे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो सोसाइटी के लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, हमको फ्रीडम दे, हमें प्रोटेक्ट करें, हमें सुरक्षा मिली रहे। कभी कभी ये इनकम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर देखो एग्जांपल इसके अंदर दिया है कि अगर आपको कहीं दूर दराज इलाकों में नौकरी मिलती है, मान लेते हैं आपको जगह मिलती है लेकिन बहुत दूर इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत सी कारकों पर विचार करेंगे। आप एक सिचुएशन है जो दी जा रही है आपको, कि मान लेते हैं कि आप एक जगह कहीं दूर इलाकों में आपको जॉब मिल रही है, ठीक है, नौकरी मिल रही है।
अब आप वहाँ पे ऑफकोर्स आप पैसे तो देखोगे कि कितने पैसे मिल रहे हैं, लेकिन क्या आप इनकम देख के ही, उसकी सैलरी देख के ही आप वहाँ पे चले जाओगे, कुछ और भी चीजों पे विचार करोगे, कुछ और भी चीजें सोचोगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, कि मतलब अगर वहां पे जॉब करोगे तो क्या वो कंपनी आपको जो कुछ और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी आपकी फैमिली के लिए, काम करने का वातावरण कैसा होगा, जहां जिस इन्वायरमेंट में आप काम करोगे वो इन्वायरमेंट अच्छा होगा, फ्रेंडली होगा, या बहुत ही हार्श कंडीशंस होंगी वहां पे वर्क करने की, कैसा होगा कैसा होगा, ये सीखने को कुछ अवसर है। आप ये भी सोचोगे ठीक है मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, अगर 5 साल तक मैंने यहाँ काम किया, पिछले 2 साल तक काम किया, तो क्या मेरी सैलरी बढ़ेगी, या फिर क्या मुझे यहाँ कुछ ज्यादा सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पता चले 10 साल तक मैं काम किया और उसी के उसी पोजिशन पे रहा, तो आप ये सारी चीजें फैक्टर सोचोगे। आपको भले आपको इनकम वहां पे ज्यादा मिल रही है, लेकिन जब आपको अपनी फैमिली से दूर रहना नहीं पसंद होगा तो आप उस जॉब को मना कर दोगे। दूसरी चीज, अच्छा वातावरण इन्वायरमेंट नहीं होगा, तो भले इनकम आपको मिल रही है, जॉब आपको दे दे, अच्छे पैसा दे दें, लेकिन आपको वहां पे अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, बहुत ही जेलिसी टाइप का इन्वायरमेंट है, सब लोग आपसे जलते हैं, ठीक है, आपके काम को वो वैल्यू नहीं देते, तो कहीं ना कहीं आप उस जॉब पे छोड़ दोगे, कहोगे कि यहाँ जॉब करने लायक ही नहीं है, इन्वायरमेंट ही वैसा नहीं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो इनकम के अलावा भी ज्यादा इम्पोर्टेंट प्ले करती है, इतना तो हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है। दूसरी नौकरी में यदि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है, एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, तो ये और हो सकता है आपके परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई कि एक दूसरी जॉब है, वो दूसरी जॉब क्या कर रहा है कि वहां पे आपको रेगुलर वर्क मिल रहा है, मतलब क्या है कि आपको नियमित रोजगार हो सकता है, आपको रेगुलर मतलब कोई भी टेंशन नहीं है कि आपकी जॉब छूट सकती है, आपकी जॉब सिक्योरिटी फिक्स है कि अगर एक बार इस कंपनी में लग गए तो आपकी जॉब जब रिटायरमेंट होगा तो ही आप यहां से निकलोगे, और बहुत ही रियल चांस है कि आपको इस कंपनी से निकाला जाएगा, अंटिल अनलेस आप कोई गलत काम ना करते हो, ठीक है। तो आपको एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगी कि भाई कुछ भी कंडीशन हो जाए, बुरी सी भी बुरी हो जाए, मेरे को जॉब सिक्योर रहेगी। तो आप यहाँ पे भले यहाँ पे आपको सैलरी कम मिल रही है, लेकिन आप ये सोचोगे कि भाई यहाँ पे कम से कम सिक्योरिटी तो है, मेरे को अगर कुछ भी बुरी सी बुरी कंडीशन हो गई, कम से कम ये लोग मुझे कंपनी वाले निकालेंगे तो नहीं, तो एक ये फीलिंग आ जाती है। दूसरा क्या, एक अन्य नौकरी आपको अधिक वेतन देते हो, दूसरा एक एग्जाम्पल दिया कहा गया है कि एक दूसरी जॉब लो जहाँ पे आपको सैलरी ज्यादा मिले लेकिन कार की सुरक्षा नहीं, और वहां पे है कि कभी भी आपको निकाल सकते हैं, आज ज्वाइन हुए एक महीने बाद आपको कह देंगे कि ठीक है इस महीने की पेमेंट लो अगले अब मत आना, तो आप वहां करोगे क्या? नहीं, आप वहां पे बिल्कुल भी नहीं करोगे, आप कहोगे कि यार ये जॉब कोई थोड़ी ना हो कि अभी एक महीने भी नहीं हो मेरे को कंपनी वाले निकाल दिए, ठीक है। अगर हो सकता है आपके परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि उस जो नौकरी कर रहे हो पैसे तो अच्छे दे दें लेकिन आपको कभी भी निकाला जा सकता है, दूसरी कंडीशन ये आ गई कि आपको फैमिली टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, आप सुबह जाते हो शाम सुबह जल्दी बुला लेते हैं शाम को लेट भेजते हैं, फैमिली के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर पा रहे, संडे की भी छुट्टी आपको नहीं दे रहे, तो प्रॉब्लम है ना। इसके लिए आपकी सुरक्षा स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी, फिर आपको कहोगे यार यहाँ पे तो ना तो सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी और फ्रीडम भी हमें नहीं है, पूरा टाइम हमें अपने साथ ही बांध कर रखते हैं, हमें अपने ही काम करवाते रहते हैं, फ्रीडम हमें कोई है ही नहीं कि हम अपने घर जाके मिले, अपने मतलब घर क्या जाए, घर से क्या मिले, ऐसा लगता है कि बूढ़ी अब इससे बांध के यहीं पे हम लोग रहने लगे, घर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बस नहा धो के आ जाते हैं, तो ऐसी चीजें होने लगेंगी। तो आप यहाँ पे क्या होगा, जब ऐसी सारी चीजें होंगी तो आप क्या इनकम देखोगे, अदर गोल्स देखोगे? नहीं, उस वक्त आप अगर बुरी कंडीशन आपकी चल रही तो ऑफकोर्स उस वक्त कुछ समय के लिए आप इनकम देखोगे कि चलो ठीक है बुरी कंडीशन जैसी हट जाए तो अभी इनकम पैसे की ज्यादा जरूरत तो चलो सह लेंगे, लेकिन जब एक बार वो सिचुएशन टल गई तो आप ऑफकोर्स आपकी सिचुएशन नॉर्मल है तो आप ऐसी जॉब तो बिल्कुल नहीं करने वाले जहां पे आपको पैसे तो ज्यादा मिल रहे हैं पर कंडीशंस अच्छी नहीं है। तो इस टॉपिक से इतना तो हमें बात समझ आ गई है कि जो लोग होते हैं उनका इनकम भी जरूरी होता है उन्हें, लेकिन इनकम के साथ साथ कभी कभी अदर गोल्स भी उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इनकम के अलावा, मतलब इनकम ना भी हो लेकिन जो अदर गोल्स हैं वो ज्यादा उनके लिए वैल्यू रखते हैं, जैसे कि फ्रीडम, सिक्योरिटी, आपने पढ़ाई, इक्वल ट्रीटमेंट, इसी तरीके चीजें।
इस तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं और इसलिए वो डेवलपमेंट के लिए जो ह्यूमंस होते हैं, हम होते हैं, वो मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। हमारे मिले जुले गोल्स होते हैं, इनकम भी हमें चाहिए, हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, हमें इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें इनकम ही इनकम चाहिए, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें इक्वल रिस्पेक्ट चाहिए, हमें इक्वल ट्रीटमेंट दे, लोग हमारे साथ समान बर्ताव करें, हमें लोग रिस्पेक्ट दे, हम ये भी नहीं चाहेंगे, हमें इनकम भी चाहिए। तो यूं कह सकते हैं कि हमारे जो डेवलप होने का जो प्रोसेस है उसके अंदर बहुत सारे मिक्स गोल्स होते हैं। हमें इनकम भी चाहिए, हमें लोग रिस्पेक्ट दें, हम लोगों को दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट दें, इसी तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना मुझे और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर दो। ये इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है इनकम और गोल्स की, क्या लोगों के कोई और भी गोल्स होते हैं। तो इतना तो देख लियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में घूम के आओ, कमेंट सेक्शन पे भी घूम के आओ। ठीक है, हो सकता है आपके वहाँ पे काम की लिंक मिल जाए, ठीक है, नोट्स की मिल जाए, हो सकता है आपको कमेंट्स कुछ अच्छे मिल जाए, वहाँ पे घूम के आइए। ठीक है, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।